चिराग पासवान जी जानेंगे ना कि वो भगवा के साथ हैं मनुवादी के साथ है की अम्बेडकर वादी के साथ।, क्या लग रहा है? कुमार के साथ खेला हो जाएगा हो हो चुका चुका है चुका है कैसे आज, आज लोग अनुपस्थित हुए है ना उनके विधायक लोग हुए उस दिन वोटिंग में आएंगे भोज खाने नहीं आए देख लीजियेगा अच्छा। बारह तारीख को ये भी हो सकता है कि सरकार भी चल जाए ये भी ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए राष्ट्रपति शासन लागू या ये भी हो सकता है कि बिहार में लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ में हो जाए बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है महागठबंधन की सरकार थी लेकिन देखिए एनडीए की सरकार बन गई है अब फ्लोर टेस्ट होना बाकी है लेकिन उससे पहले तमाम नेताओं का बयान निकल करके सामने आता है विपक्ष के जितना नेता है कि खेला होना भी बाकी है और इसी क्रम में आज जदयू कोटे के मंत्री हैं उनके आवास पे भोज का आयोजन किया गया था विधायकों का लेकिन वहां पे कुछ विधायक नहीं पहुंचते अब इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय स्वराज मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम इनसे बात करेंगे कि सबसे पहले आप हैं किसके साथ आप लोग किसके साथ हैं बीजेपी के साथ या महागठबंधन के साथ हम ना बीजेपी के साथ हैं ना महागठबंधन के साथ अच्छा। हम उसके साथ हैं जो देश हित में काम करें अच्छा देश हित में अभी काम करने वाले जो हैं जो भी महागठबंधन के नेता दिख रहे हैं वही है भाजपा जो देश को बर्बाद कर रही है अच्छा। भाजपा देश का संविधान खत्म करना चाहती है भाजपा चाहती है कि तिरंगा हट जाए भगवान लहर जाए अच्छा। वो नहीं हो सकता है हम भाजपा का खुलेआम विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे नीतीश कुमार का भी विरोध करते हैं भाजपा के साथ जो है उसका विरोध करेंगे अच्छा क्या लग रहा है नीतीश कुमार के साथ खेला हो जाएगा हो चुका है हो चुका है कैसे आज लोग अनुपस्थित हुए है ना उनके विधायक तो हुए उस दिन वोटिंग में भोज खाने नहीं आए देख लीजिएगा अच्छा देख लीजिएगा बारह तारीख दो दिन बचा हुआ है बारह तारीख को ये भी हो सकता है कि सरकार भी चल जाए ये चल भी भी हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए राष्ट्रपति शासन लागू या ये भी हो सकता है कि बिहार में लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ में हो जाए क्या लग रहा है मांझी जी महागठबंधन की तरफ आ जाएंगे वो देखते रहिए दो दिन बचा हुआ है चिराग जी भी आ जाएंगे दो दिन बचा हुआ है चिराग जी तो अभी आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है चिराग पासवान जी के पास तो अभी कोई विधायक है नहीं कि वो लेकर के तो मजबूत होगा ना आएंगे अच्छा। वो तो चिराग पासवान जी जानेंगे ना कि वो भगवा के साथ हैं मनुवादी के साथ हैं कि अम्बेडकर वादी के साथ है रवि उज्जवल किसके साथ जाएंगे हम उसके साथ हैं जो बाग भगवा का विरोध करेगा अच्छा हम उसके साथ हैं जो शिक्षा की बात करेगा हम उसके साथ हैं जो रोजगार की बात करेगा हम उसके साथ नहीं हैं जो मंदिल के नाम पे देश को बर्बाद करेगा अच्छा हम उसके साथ ना हैं ना रहेंगे आपने कहा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगी लेकिन बीजेपी कह रही है हमारे साथ बहुमत है और एक विधायक के साथ उस दिन फ्लोर टेस्ट पास करेंगे दो दिन बचा हुआ है सब सामने आ जाएगा झलकिया सामने आ चुका है और पूरा फिल्म बाकी है लग रहा है महागठबंधन खेला कर देगी अब ये तो जाने तेजस्वी यादव जी जाने कांग्रेस ये हम कैसे कह सकते हैं लेकिन सामने दिख आपको रहा है क्या लग रहा है क्या उम्मीद है हमको ही लग रहा है कि भगवा धारी अब नहीं चलेगा बिहार में जनता जान चुकी है जनता भी नहीं चाह रहा है कि देश को मनुवादी के हाथ में दिया जाए देश अब वही चलाएगा शिक्षा की बात करें रोजगार की बात करें घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा ना अब घंटी बजा के पेट नहीं पाल सकते हैं आप एजुकेटेड होइएगा रोजगार आएगा आपके पास तो ही आप कुछ कर सकते हैं अब भाजपा जो वह है बात बात पे मंदिर मस्जिद करने लगता है ऐसे देश नहीं चलता लेकिन है लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी की सरकार आएगी तो विकास का बाहर होगा ये इसी तरह बगते रहते हैं पगली, पगड़ी बांधे हैं ना बोले थे कि मुख्यमंत्री तो कुमार को उतार हाँ तो उतार दे नीतीश कुमार तो साथ में उनका आगे पीछे घूमना पड़ेगा उनका डिप्टी सीएम है सीएम नहीं उतार रहे हैं तो उसका मतलब बारह तारीख को नीतीश कुमार जी चल जाएंगे तब उतारेंगे बारह तारीख को नीतीश कुमार चले जाएंगे अब देखिए हमको तो लगता है कि चल जाएंगे अच्छा चलिए तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे भारतीय स्वराज मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि उज्जवल कुशवाहा इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बारह तारीख को मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे क्योंकि खेला शुरू हो चुका है और खेला उस दिन होकर ही रहेगा अब देखने वाली बात होती है कि आखिर क्या कुछ होता है क्या इंडिया की सरकार फ्लोर टेस्ट कर पाती है या नहीं कमलेश कुमार लाइव बिहार पटना यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें